और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देखेंगे कि यहां पर ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कैसे ही साजिश रचे तुम तुरंत ही मुझे सूचित करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जो मलिष्का तुम्हें डांट रही है। और रही मलिष्का की बात तो मलिष्का अब तुमसे कुछ नहीं कहने वाली क्योंकि मलिष्का को अच्छा खासा डोज दे दिया है यहाँ पर आखिरकार ऋषि ने, क्योंकि ऋषि ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि लक्ष्मी के खिलाफ मैं कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और जो इस समय लक्ष्मी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है उस षड्यंत्र के भी खिलाफ है ऋषि। ऋषि वो शख्सियत रहा है कि जो हमेशा से ही हर किसी का ध्यान रखता हुआ नजर आया है, लेकिन ऋषि के साथ में कोई षड्यंत्र रचे तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नजर आएगी नीलम इस समय ऋषि से कि तुम लक्ष्मी के चक्कर में पागल हो चुके हो, लक्ष्मी ने रोहन को ऊपर से गिराया है, जिसके बाद में ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि शर्म तुम्हें लगनी चाहिए क्योंकि तुम मलिष्का के चक्कर में मोम पागल हो चुकी हो, क्योंकि मलिष्का जैसा तुमसे बोल देती है तुम वो ही सुन लेती हो। आप लोग जानते ही हैं कि समय ऋषि भी गर्म स्वभाव में नजर आ रहा है और उसका गर्म स्वभाव में आना दोस्तों जायज़ भी है क्योंकि मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का ने इस समय इस तरीका से भड़का के रखा है ऋषि की मॉम को बेहद ही ज़्यादा अलग तरीका से। हालांकि दोस्तों कहानी में लगातार एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाले हैं। कहते हैं हर एक पहेली के पीछे बेहद बड़ी साजिश होती है और इस समय लक्ष्मी और ऋषि को आखिरकार अलग अलग तरीका से बदनाम करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं वो भी अत्यंत दिलचस्प हैं दोस्तों। हालांकि ये भी सच्चाई है कि ना लक्ष्मी झुकी थी ना लक्ष्मी झुकेगी क्योंकि उसका साथ में उसका हस्बैंड ऋषि साथ है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।